अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे, रिस्क्स ऑफ आईसीटी टू सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। रीडिंग करना शुरू करते हैं। इन दिस मॉडर्न एज वी आर एक्सपेक्टेड टू रिलाई अपॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बट ब्लाइंड फेथ इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी मे बी डेंजरस इन मैनी केसेस। अब वो कहता है कि आज के दौर में हमें ये कहा जाता है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल करें का मतलब उसका इस्तेमाल करें, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पर शेयर करें, और किसी न किसी तरह वो आगे जाके हमें हार्म पहुंचा सकती है। आवर यूज़ ऑफ कंप्यूटर इज़ डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। अब कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। मतलब हर वक्त कंप्यूटर पर बैठे रहना भी नुकसानदेह होता है, ख़ास तौर पर आँखों के लिए जो कि आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाती हैं उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन की ब्राइटनेस देख कर, या बैठे रहने से भी बंदे का जिस्म जो है वह आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। कंप्यूटर क्राइम्स आर ऑल्सो वेरी कॉमन दीज डेज। उसके अलावा कंप्यूटर पे जो क्राइम्स होते हैं, मतलब कि लोगों की इंफॉर्मेशन, लोगों की पिक्चर्स, उनकी वीडियोस, उनके कंप्यूटर से निकाल ली जाती हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर दी जाती है, ये बहुत कॉमन होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कंप्यूटर क्राइम इज़ डिफाइंड इन एनी क्राइम अकॉम्प्लिश थ्रू नॉलेज और यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब ये जो कंप्यूटर क्राइम है इसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब वो कहता है कि कोई भी जुर्म ऐसा जो कि कंप्यूटर की नॉलेज के थ्रू हो रहा हो वो कंप्यूटर क्राइम के अंदर आ जाता है, या तो टेक्नोलॉजी या उसकी नॉलेज के थ्रू। नॉलेज के थ्रू मतलब अगर आपको पता है कि कोई काम इसके थ्रू कर सकता है तो वो भी उसके अंदर आ जाता है कंप्यूटर क्राइम के अंदर। देर इज़ ऑल्सो वर्ड थेफ्ट। थेफ्ट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्राइम। अब वो कहते हैं कि वर्ड थेफ्ट एक चीज़ है जो कि बहुत कॉमन हो गई है, जो कि क्या है बेसिकली, आप अगर देखेंगे नेट पे लोगों ने आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो कि सेम टू सेम किसी और आर्टिकल से रिलेटेड होते हैं, वो बेसिकली उन्होंने कॉपी किए होते हैं वहाँ से, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्लेजरिज्म में आ जाता है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू स्टील मनी, गुड्स, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब कंप्यूटर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो स्कैम में या किसी ऐसी चीज़ में पैसे अपने लूज़ कर जाते हैं जो कि उन्होंने वो नहीं चाहते थे, और उनका पैसा जो है वो बेसिकली चोरी हो जाता है उसके अंदर से, लोगों की चीज़ें या उनकी इंफॉर्मेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो भी नेट के थ्रू किसी ना किसी तरीके से स्टील हो जाती है, चोरी हो जाती है। उसके अलावा कंप्यूटर के रिसोर्सेज, मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो कि इस वक्त पायरेसी की वजह से इस्तेमाल हो रहे हैं और जहाँ पर वो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। पायरेसी इज़ अनदर इशू ऑफ इम्पॉर्टेंस विच इज़ कॉमन ऑन कंप्यूटर। इट इज़ द इलीगल डुप्लीकेशन ऑफ कॉपीराइट मटीरियल लाइक बुक्स, पेपर्स एंड सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। अब पायरेसी एक बहुत जो है वो फैली हुई चीज़ है जो कि कंप्यूटर क्राइम के अंदर आती है। पायरेसी बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई फिल्म है जो कि रिलीज़ हुई है तो आप उसके प्रिंट्स ऐसे रिलीज़ कर देते हैं पब्लिक में जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बेसिकली ये कंपनीज बेच के ही, ऐसे मटेरियल को बेच के ही हम पैसे कमाती हैं, और पायरेसी से ये इनका कॉन्टेंट फ्री में बिक रहा होता है। या सॉफ्टवेयर जो इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं जैसे विंडोज़ हो गई, वो भी पायरेट हो जाती है, पाकिस्तान में होती रही है, वो सारा का सारा कंप्यूटर क्राइम में आता है। हैकिंग इज स्टिल अनदर इलीगल एक्टिविटी विच इज़ कमिटेड इन कंप्यूटर्स। अब हैकिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि कंप्यूटर पे होती है, जो क्या है कि आप बेसिकली अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं अगले बंदे का कंप्यूटर, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इट इज़ एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स ऑफ अदर पर्सनस। ये हैकिंग की डेफिनेशन है। कंप्यूटर हैकर्स कैन डैमेज सम ऑर्गेनाइजेशंस बाय स्टीलिंग देयर क्रेडिट कार्ड्स एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब वो कहते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो किसी भी कंपनी या किसी भी बंदे के क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, या कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं जो कि आगे जाके वो इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ायदों के लिए। आवर वन वे ऑफ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी ब्रीचेस इज टू मेक श्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन हैव एक्सेस टू कंप्यूटर इक्विपमेंट। अब वो कहते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीचेस जैसे कि हैकिंग या किसी और तरह की प्लेजरिज्म से बचने के लिए बंदे को चाहिए कि अपने कंप्यूटर को सिर्फ ऐसे लोगों को एक्सेस दे जो कि परमिटेड हों या ऑथराइज्ड हों। वी मे बी ग्रांटेड एक्सेस टू कंप्यूटर बेस्ड ऑन सम पासवर्ड एज डिस्क्राइब बिलो। अब वो कहते हैं कि हमें अपने कंप्यूटर्स को महफूज रखना चाहिए, उनमें पासवर्ड्स अप्लाई करने चाहिए। वी कैन यूज़ अ की एंड आईडी कार्ड विद अ फोटो एंड आईडी नंबर, अ लॉक कॉम्बिनेशन और वॉइस प्रिंट और फिंगरप्रिंट एज पासवर्ड टू सिक्योर आवर कंप्यूटर। वो कहता है कि हम डिफरेंट तरीक़ों से हमारे अपने पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं, हम कोई की यूज़ कर सकते हैं, वो की कुछ भी हो सकती है, मतलब नंबर्स अल्फ़ाबेट्स मिला के आप की बना लें, एक फ़ोटो आईडी कार्ड की यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी फ़ोटो अपनी शक्ल
भी यूज़ कर सकते हैं, थंबप्रिंट यूज़ कर सकते हैं, आईडी कार्ड का नंबर यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं, लॉक कॉम्बिनेशंस जो होते हैं, और कोई एक्सटर्नल डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप इनपुट दे सकते हैं अपने लॉक के लिए, ताकि आपका कंप्यूटर सेफ रहे। अच्छा, ये चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, वो हम कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।